ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान कई जगह जरूरी सामान लेने के लिए लोगों में अफरातफरी देखी गई है, लेकिन न सुकमा में एक किराना दुकान न संचालक न सिर्फ लोगों को सुरक्षित तरीके से सामान उपलब्ध करा रहा है, दुकान के बाहर एक एक मीटर की दूरी पर घेरा बनाया गया है और इसी घेरे में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं और सुरक्षित तरीके से सामान ले भी रहे हैं। इसके अलावा दुकान संचालक कोरोना को लेकर जागरूकता भी फैला रहे हैं। किराने की दुकान है और यहाँ पर जो है इतने तरीके से जो है कोरोना को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है और सामान भी दिया जा रहा है। हम बातचीत करते हैं उनके जो संचालक है, यहाँ जो आपके यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक मिनट की दूरी है और आप यहाँ से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कोरोना को लेकर, इसको लेकर क्या? देखिए, कोरोना को लेकर पूरा देश चिंतित है। खासकर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिन अपील भी की थी कि घरों से बाहर ना निकले। हमारी कोशिश है, हम लोगों के ही अपील कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में घर से बाहर ना निकले। हम उनको ऑनलाइन होम डिलीवरी दे रहे हैं, 3 बजे के बाद उनके घर पहुंच सेवा दे रहे हैं, बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के दे रहे हैं। और जो डिस्टेंस की बात आपने कही है कि 1 मीटर डिस्टेंस भी हम मेंटेन करें ताकि किसी को कोई एक दूसरे को संक्रमण ना हो, और हम उनको पर्याप्त मात्रा में राशन सामग्री दे रहे हैं। और सबसे पहले बता दूं कि इतना अभी देश में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बाद भी हमारी जो कोशिश है कि लोगों को सस्ते दर पर हम राशन उपलब्ध कराएं। राशन की क्या स्थिति है, जहां एक बार मोदी के अनाउंसमेंट के बाद में लगातार दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी है, राशन को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, थोड़ा सा मैं चाहूंगा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, राशन पर्याप्त मात्रा में है। हमारे पास जो राशन है अभी 30 दिन तक हम सुकमा, पूरे सुकमा को हम राशन उपलब्ध करा सकते हैं, राशन पर्याप्त है। और मैंने पहले भी कहा कि किसी भी कीमत में हम अपने रेट को, जो रेट है हम उसको बरकरार रखेंगे। MRP से कम का जो हमको सेल करने का जो हमारा उद्देश्य था वो आज भी बरकरार है। जितने प्रोडक्ट है हम MRP से कम में आज भी उपलब्ध करा रहे हैं। आपके द्वारा लगातार जो है मास्क यहाँ पर दिया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या आपकी सोच है? देखिए, मास्क चूंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हमने रायपुर से किसी तरीके से ट्रांसपोर्टिंग करके उसको मंगाया है, और मैं चाह रहा हूं कि सभी लोग मास्क का उपयोग करें ताकि एक संक्रमण रोका जाए। और ये हमारा छोटा सा प्रयास है, हालांकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन मास्क उपलब्ध कराना एक हमारा मेरा पहले से उद्देश्य था, और बहुत जल्दी हम लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे। देखा जा रहा है कि लगातार जो है राशन को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, दुकानदारों का कहना है कि राशन को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में राशन यहाँ पर स्टोर है। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा।